साई। त्रंबक आओ। ये लो औषधि ग्रहण करो। ये भी बता दो करना क्या है मुझे। इस सीमित जीवन में इंसान के करने के लिए इतने काम हैं कि अगर सभी करना चाहो एक क्षण का भी आराम नहीं मिलेगा। फिलहाल तुम पहले द्वारका माई की साफ सफाई करो, पौधों में पानी डाल दो। से दोस्ती कैसे करेंगे, वो तो बाहर आ ही नहीं रहा है। हाँ पंता जी, साईं तो उससे काम पे काम करवाए जा रहा है और खुद आलसियों की तरह बैठा है। मटके में पानी भर लाओ। सोचा था कि बायजा ताई के यहाँ मेरा आराम से इलाज होगा, खूब खातिरदारी होगी मेरी, पर यहाँ तो मुझे ही काम करना पड़ रहा है। अरे मेरा मटका, पानी भरने जा रहे हो? तुमसे मतलब? सरासर अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ। सुबह से गधे की तरह काम करवा रहा है वो साई तुमसे। अरे भाई तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अंता जी जाइए, आप पानी भर कर लेकर आइए, तब तक ये बेचारा आराम कर लेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ आप आराम करो, मैं पानी भर के लेके आता हूँ। गधों की तरह काम कर रहा हूँ लेकिन गधा नहीं हूं कि तुम मुझे टोपी पहना दोगे। क्या जानता नहीं तुम दोनों को, मुझ पर अमरूद फेंकते हो, ताई का अपमान करते हो और अब मदद का नाटक करते हो। देखो हम हिसाब बराबर कर रहे थे क्योंकि क्योंकि तुमने हमको गिराया था और वो हो गया, इसलिए झगड़ा खत्म। कहा सुना माफ, अब तो हम दोस्ती कर सकते हैं ना। दोस्त माना कि तुम्हारा इलाज कोई और कर रहा है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम मरीज हो और मरीज को इतना भारी काम नहीं करना चाहिए। लाओ
पानी मैं भर लाता हूँ, तुम यहाँ बैठ के आराम करो। बैठो बैठो बैठो, आओ। लो, मैं पानी भर लाया। रुको दोस्त, मैं उन लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरी ताई का अपमान किया। तू ये पानी भरने से पहले बोल देते। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं मरीज हूँ और तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका मरीज हूँ। और मैंने तो दोस्ती की बात भी नहीं की थी, तुम ही दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे। अरे अरे पंता जी, ये तो बहुत चालू निकला। अपना काम भी करा लिया मुझसे और दो बातें भी सुना गया। शांत अंता जी शांत, हमें धीरज रखना होगा, याद है ना? सरकार ने हमें इसे मित्र बनाने का काम सौंपा है, उसे पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। सफाई कर लो यहां, धूल खत्म ही नहीं होती। तुम्हारा दूसरा पंख टूट गया। मदद चाहिए? कर रहे हो, इतनी मेहनत से तो अभी सफाई की थी। करता हूं इसलिए सह रहा हूं, और कोई होता ना तो कब का भाग चुका होता। पैरों में दर्द है क्या? इतना काम जो करवा रहे हो, दर्द तो हो गई ना? ये दर्द दवा का असर है, इसका मतलब तुम्हारा इलाज सही दिशा में चल रहा है। जो भी है, दर्द तुम्हारे इलाज की वजह से ही हो रहा है। आओ, इधर आओ मेरे साथ।
अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पकड़ के रखो। अरे क्या कर रहे हो तुम? मालिश कर रहा हूं तुम्हारे पैरों की। दर्द देकर दवा भी देते हो, मेरी समझ के बाहर हो तुम। आया हूँ साई मोरे बीच मझगा, तुम ही लगा दो साई हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता यो मोरे तारण। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं नहीं रहने दो, पता चला रास्ते में कोई ना कोई काम करवाते चल रहे हो। अच्छा ठीक है, ये तेल अपने घर ले जाओ और घर जाकर किसी से मालिश करवा लेना। स्वस्थ होने की प्रक्रिया में अभी तुम्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना होगा। अल्लाह मालिक, अब मुझसे और नहीं चला जाता। अरे आओ बैठो बैठो इधर। त्रंबक मेरे दोस्त, क्या हुआ? हे भगवान, साई ने काम करवा करवा के क्या हालत बना दी है तुम्हारी। अरे तुम तो लंगड़ा रहे हो। चलो हम तुम्हें सहारा देकर तुम्हारे घर तक पहुंचा देते हैं। सहारा देकर क्यों अंता जी? आप ना इसे अपने पीठ पर लाद लीजिए। पीठ पे मैं? जी जही ये कमी है आपने, मेरे हर सलाह पे सवाल करते रहते। अरे जरा सोचिए, कुलकर्ण सरकार से जब आप ये कहेंगे कि त्रंबक से दोस्ती करने के लिए कितनी पापड़ बेले है आपने, इनाम किसे मिलेगा, मुझे या आपको? है ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। चलिए चलिए। लो भाई तुम्हारा घर आ गया। घर तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। नहीं, नहीं, नहीं। तुम दोनों को जितना बुरा समझता था मैं, तुम दोनों उतने बुरे नहीं हो। शुक्रिया। जी आपकी मेहनत रंग लाई इस बार, उसने अपना विश्वास दिखाया हम पर। हाँ बंता जी, अब दूसरा कदम उठाने का समय आ गया है।
कितने जन्मों का बदला ले रही हो। लो कर लो बाप, मुझे बदला लेने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो आपकी बहन है ना। जब से हम यहाँ आए हमारे तो भाग्य खुल गए हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। साई ने क्या बेजोड़ दवा दी आपको? अरे खाने में छप्पन भोग मिल रहा है, बाहर भी बेइज्जती घर में भी बेइज्जती। आपको पता है आज कुलकर्णी सरकार की बहन ने मुझे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया है। साई के नौकर की पत्नी कहाँ है मुझे? अब तो खुश होगी ना आपकी बहन। बस बस, तुम्हारे नाखून लग रहा है चील कौवे नोच खा रहे हैं मुझे। आप तो एकदम पत्थर हो पत्थर, मेरी बात का तो कोई असर ही नहीं होता। फिर कल चले जाएंगे मुंह उठाकर उस साई के पास। वैसे भी साई के नौकर के नाम से मशहूर तो हो ही गए हो। मैं ताई और जीजा जी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकता हूँ। उन्होंने कहा है पूर्णिमा तक धैर्य रखो, सब्र से काम लो, मैं वही करूंगा। खाना लगा दिया है, आ जाओ तुम दोनों, चलो चलो खाना खाते हैं। त्रम्बक, क्या हुआ? लो कर लो बात। अरे आपके साई की कृपा है, अब शहर दिया है तो असर तो करेगा ही ना। ठीक हूँ मैं, चलिए ताई खाना खाते हैं। नहीं तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारा खाना यहाँ लेकर आती हूँ। नहीं ताई मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलिए अंदर। मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो, आप इसे यहाँ बिठाइए, मैं इसका खाना लेकर आती हूँ। आओ बैठो आराम से। ये लो खाओ। खा लो, मैं भी खाना खा लेती हूँ। मैं खिलाऊं तुम्हें? नहीं ताई मैं खा लूंगा। हाथ धोकर आता हूं। ठीक से खाना भी नहीं खाया इसने। अपने भाई की ऐसी दशा देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ना। इसी तरह मैं तुम्हारा दर्द तुम्हारी तकलीफ बांट सकती। त्रम्बक साई पर भरोसा रखो, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। बात तो अंताजी के वजह से बनी सरकार, त्रम्बक से दोस्ती करने के लिए ये उसे अपने पीठ पर लाकर ले गए, तब जाके उसे हम पर भरोसा हुआ। हाँ सरकार, तकलीफ तो बहुत हुई लेकिन आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सरकार, आपकी योजना का पहला चरण पूरा हो गया, अब हमें दूसरे चरण में कामयाब होना है। हरिओम हरिओम, मैंने तो अपना दाव खेल दिया है साई, बचा सकता है तो बचा ले स्वयं को। इस बार तेरा परायण तय है। सौ सुनार की एक कुलकर्णी सरकार की। अरे ओ
हर दिन मैं इसी समय मारुति मंदिर में जाता हूँ पूजा करने के लिए और इसी मार्ग से जाता हूँ, पता नहीं है तुम्हें। तुमने मेरे परछाई को छूने की कोशिश कैसे की? अच्छोर! गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए। मेरे नजरों के सामने से इसे लेके जाओ। तुमने मुझे स्पर्श किया? अभी के अभी 50 डट मारो। सरकार माफ कर दीजिए मुझे। हरिओम हरिओम। अब फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। जिसमें इतनी क्रूरता भरी हो वो वैध कैसे हो सकता है? इसलिए ताई और जीजाजी मुझे कुलकर्णी सरकार के पास नहीं जाने देना चाहते थे। और साई भी कम निर्दयी नहीं है, जहर से बनी दवाई दी, खाने में नमक बंद करा दिया, मुफ्त में सारा काम करवाता है मुझसे। मैं तो ताई का लिहाज करके पूर्णिमा तक का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद फरार हो जाऊंगा मैं यहाँ से। जब मरना ही है तो खा पी के मरूंगा। दूसरों की साड़ियां पहनना सबको अच्छा लगता है, तो मैं इसे ले लूं। ताई सर, इसे पहन के मैं सुंदर लगूंगी ना? बिल्कुल, तुम पर तो हर रंग अच्छा लगता है। तो मैं इसे भी ले लूं? अब तक 7 साड़ियां ले चुकी हो। लो कर लो बात, समंदर से एक लोटा पानी उठा भी लिया तो क्या समंदर का पानी घट जाएगा? नहीं ना। और वैसे भी इनके पास इतनी सारी साड़ियां है, पड़ी रहेगी, इससे अच्छा किसी के काम आ जाए। और वैसे भी तातिया कितना बड़ा हो गया है, इस उम्र में ये रंग बिरंगी साड़ियां पहने ये क्या अच्छा लगेगा, आप ही बताइए। तुम्हें जो भी साड़ी अच्छी लगे तुम ले सकती हो। चलो, यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। तुम्हें पता भी है, बातों बातों में वो तुम्हें बुड्ढी बोल गई। जाने दीजिए ना आई, उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। अरे छोटी है तो क्या हुआ, हाँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तू रंग बिरंगी साड़ियां मत पहन? हाँ, क्या तू बुड्ढी हो गई है? अगर तू बुड्ढी हो गई है तो मैं क्या हो गई हूँ? आई, आपको बुढ़ी कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, गुणवंता में भी नहीं। वो क्या है ना आई, मेरे भाई की बीमारी की वजह से बहुत तकलीफ सही है उसने। अगर यहाँ आकर उसे इन छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है तो अच्छा ही है ना। तो किस मिट्टी की बनी है बायजा? तूने तो बर्दाश्त कर लिया, अगर मुझे कहा होता ना तो मैं नहीं बर्दाश्त करती थी। सच में तू बहुत अच्छी है, बहुत। खेलिए ना, खेलिए ना साई, खेलिए ना साई।
अच्छा ठीक है चलो। हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे गांव में कहां कहां नहीं ढूंढा, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। क्या बात है चंदू? साई, मुझे मालूम है आप भिक्षा मांगते हुए मेरे घर से खाली हाथ आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, हट गया था। साई, मेरे यार से यह स्वीकार कीजिए। कर सकता है अल्लाह।